विकास एक ऐसा शब्द जिसके लिए चाहे गांव हो या शहर हो, सब में बराबर होना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहचान फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस समय मैं आपको बता दूं, मौजूद हूं कोराली गांव में। मेरे आसपास आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर एक चौपाल नुमा एक इवेंट कह सकती हूँ इसको। यहाँ पर जब मैं बैठी हूँ, इन सब के साथ बैठी हूँ और मेरे साथ इस समय इस गांव के कुछ गणमान्य लोग मौजूद हैं। आपको एक और बात बता दूं कि 23 तारीख को जो गांव के चौधरी, जो गांव के मुखिया होते हैं, उनका कार्यकाल ख़त्म हो गया है। अब जानना ये होगा कि इस गांव में कितने विकास कार्य हो चुके हैं और कितने विकास कार्य रह गए हैं। इसी की कड़ी में मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इस गांव के सरपंच सुरेंद्र सिंह जी, और जो आज हमें इस गाँव की सैर भी कराएंगे, हमें बताएंगे भी कि अभी तक उनका जो कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने कितने कार्य किए हैं और अब जो कार्य रह गए हैं। हालांकि अभी मैं बता रही थी आपको कि जो इनका कार्यकाल था वो ख़त्म हो गया है कल, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कार्य ज़रूर होंगे जो अपूर्ण होंगे, जो पूरे नहीं किए गए होंगे। उनकी जिम्मेदारी अभी भी इनके ऊपर होगी, उसको लेकर आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि विकास के कार्यों में, जो गांव के विकास के कार्य हैं, उनमें कितना अभी रह गया है और कितना हो गया है। पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद, थैंक यू। कोराली गाँव से सरपंच हैं आप। सरपंच कहा जाता है कि एक तरह से गाँव का कर्ता धरता या मुखिया होता है, ये सच है? ये सच है कि मैं 900 वोटों से गांव की बस्ती ने, मेरी सरदारी ने, मेरे बाप समान बुजुर्गों ने मुझे जो टोपा उड़ाया, जो मुझे इन्होंने जो एक तोहफा दिया, पगड़ी पहनाई, मैं इनका सिर झुकाकर इनका नमस्कार करता हूँ, इनका धन्यवाद करता हूँ। इनकी बदौलत ही जो मुझे ज्ञान मिला, जो मुझे विकास की कड़ी के जो छड़ मैंने गांव में लगाई, वो कि मैंने अपने बुजुर्गों की, समाज के आशीर्वाद से ही मैंने अपने गाँव के विकास किए। विकास कार्यों की बात की जा रही है, ऐसे कौन से विकास कार्य हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। पहले बात करते हैं गांव की सड़कों पर, जो गांव की सड़कें हैं उनमें कितने विकास हुए हैं। गांव की सड़कें जितनी ज़रूरी थीं, जो भी ज़रूरी थीं, जो सभी मेरी सरदारी ने, मेरे सभी बुजुर्गों ने जो मुझे सहमति दी कि भाई ये काम ठीक है, वो मैंने गांव में सड़क बनवाई। और सड़कों की भी तादाद मैं गिनवा नहीं सकता, जितनी सड़क मैंने 15-20 से ऊपर जो सड़कें बनवाई, केवल अपने गांव की मौजूदा सबके साथ मिलजुल कर, अपनी मेंबर कमेटियों के साथ मिलजुल कर, सबका सहयोग के कारण, सहयोग के ही मैंने एक विकास कार्य, ये सड़कों का काम पूर्ण किया। और नालियाँ भी जितनी बनवाई, वो भी मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण जो थी वो मैंने बनवाई। सबसे एक अहम बात और थी कि मेरे सरपंच बनने के बाद मेरे गांव में जो पार्टीबाजी थी, जो भी दो आँखों से विकास कार्य देखे जाते थे, मैंने सातों जात में, पूरी सातों जात में मैंने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पूरे गांव में हर जाति में काम विकास का कार्य किया। मेरे लिए सभी एक समान हैं, चाहे वो वाल्मीकि हो, चाहे वो हरिजन हो, चाहे वो बघेल हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो राजपूत हो, मैंने सबको अपना समान भाई समझकर मैंने सब मोहल्ले में अपने सेम विकास किया। समुदाय की बात हो रही है, बात कर रहे हैं कि हर समुदाय वर्ग के लिए विकास कार्य क्या हैं, क्या एक नज़र उन विकास कार्यों पर डाली जा सकती है, बता सकते हैं आप मुझे? जी सर, सबसे पहले सिकलीगढ़ जो हमारे यहाँ 50-60 वोट हैं, उन लोगों की जो शादियाँ होती थी उनके पास एक भी ऐसी छत्तर छाया नहीं थी। उनके जो रिश्तेदार बेटियों की शादियाँ होती थी, वो केवल ऑन रोड पर आकर पेड़ के नीचे रिश्तेदार रुकते थे। बड़ी शर्म की बात है कि सातों जात में अगर कोई बहन हो, तो कोई बेटी है, तो वो हमारी अपनी बेटी है, उसकी शादी में अगर रिश्तेदार बाहर होते हैं तो हमें पूरे गांव की शर्म आनी चाहिए कि हमारे रिश्तेदार कहीं बाहर हैं। मैंने सबसे पहले जो अहमियत दी, मैंने सिकलीगढ़ों की चौपार बनवाई, जिनसे आज वो अपनी बहन बेटियों की शादी करते हैं और आराम से अपने वहाँ बैठ कर गुजारा करते हैं। उसके अलावा फिर एक बघेल चौपार थी जो बहुत ही सामाजिक थी, बहुत ही बड़ा एक समुदाय है, 300-350 वोट हैं, अच्छे ही वहाँ पढ़े लिखे DSP भी उसमें हैं, बघेलों में अच्छे पढ़े लिखे वकील हैं 8-10, तो उनके वहाँ मैंने चौपार बनवाई जो बहुत ही आदरणीय मानवीय है। वहाँ 10 आदमी हमेशा बैठे रहते हैं, जो भी कोई अगर घटना होती है तो वहाँ बैठ के सामाजिक तौर पर वहाँ आनंद से लोग उस पर बैठ के चर्चा करते हैं। कोई भी गांव का विकास कार्य जब तक पूरा नहीं होता, जब तक कि शिक्षा की जो जड़ है, जो शिक्षा की जो जगह है उस पर विकास कार्य ना, तो आपके गांव में भी स्कूल है, उसके लिए कोई कार्य कराए गए हैं? जी सर, सबसे पहले
मेरी लड़कियों के स्कूल में, हाई स्कूल, मेरी लड़कियों का हाई स्कूल है, उसमें छोटी दीवारें थी, बच्चे मोटरसाइकिल से हॉर्न मारते थे, तो मेरी जो है टीचर्स एंड मेरी पोतियाँ वो डिस्टर्ब होती थी, पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैंने वो इतनी वो मैं कम से कम मैंने 8-8 फिट वो सारी चारों तरफ से स्कूल की दीवारें उठा दी। मेरी बच्चियों के सूट सलवार गंदे होते थे, जहाँ प्रेयर होती थी मैंने वहाँ नीचे प्लेटफार्म उनमें वहाँ ईंट बिछवा दी, जहाँ जिससे आज मेरी लड़कियाँ आराम से बैठ सकें। उसमें समर्सिबल लगवा दिया स्पेशल, उसमें टॉयलेट बनवा दी, उसमें 12-15 कैमरे लगवा दिए मंत्री जी से कहने के मुताबिक। और मंत्री जी के बाद फिर स्पेशल चंडीगढ़ जा, वहाँ भिवानी जाकर मैंने अपनी बेटी जो मेरी रिक्शा में टेम्पू में या बस में धक्का खा के पेपर देने जाती थी, तो मैंने उनके लिए स्पेशल कि मेरी बेटियाँ बाहर नहीं जाएं, मेरी बेटी मेरे ही गांव में रहें। यह कम से कम 20 साल पहले हमारे यहाँ सेंटर रहता था, जो अपनी मेहनत करके मंत्री जी की देन से, सहयोग से, गाँव की बस्तियों की सहयोग से मैंने आज अपनी बेटियों का सेंटर, अपने बच्चों का सेंटर मैंने 10वीं तक अपने गाँव में करा रखा है। मेरी बेटी गांव से बाहर पेपर देने नहीं जाती हैं। दूसरे सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैंने दोनों साइड से लाइट लगवाई, ट्यूबवेल की भी और जंगल की भी, 24 घंटे मेरे स्कूल में लाइट रहती है बॉयज में। मैंने बहन बेटियों के लिए, बच्चों के लिए ओपन जिम लगवाया, बच्चों के लिए खेल के लिए प्रोत्साहन के लिए टाइम टाइम पर मैं राशि देता रहता हूँ। उसके बाद मैंने वहाँ बच्चों के लिए नीचे टाइल बिछवाई, अभी फिलहाल 5-7 दिन पहले मैंने समरसेबल लगवाया, कुर्सियाँ डलवाईं। HCA हॉस्पिटल है हमारा 6 एकड़ में, वहाँ भी मैंने कुर्सी लगवाई, वहाँ भी मैंने लाइटें लगवाई। जितना भी मेरे पे हुआ, जब मैंने सरपंची ग्रहण की उस टाइम मेरे गांव का रिजल्ट 15-20% था, लेकिन मेरे कार्यकाल में इस टाइम तक अब मैंने जो है उसका 95% मैंने रिजल्ट लड़कियों को, लड़कों का 95% जो मैंने रिजल्ट ला के दिया, वो मेरी अपनी मेहनत थी, कोऑपरेशन थी। मैंने अपने टीचरों से, अपने प्रिंसिपलों से, अपने स्टाफ से सबसे सहयोग लेकर, उनको प्रोत्साहन कर कर मैं रिजल्ट को यहाँ तक लेके आया। जो भी बच्चा किसी खेल में या कोई भी बच्चा कोई किसी चीज़ में फर्स्ट आता है, उसे मैं सम्मानित करता हूँ स्टेज पर, उसे राशि देता हूँ, उसका मनोबल बढ़ाता हूँ, जिससे मेरे गांव का नाम रोशन हो और वो मेरे गांव की तरक्की हो। ये बहुत सही बात इन्होंने कही है कि अपने ही गाँव में, यानी कि मैं बता दूँ आपको, अगर आप मेरी वीडियो इस समय देख रहे हैं तो उसके माध्यम से मैं बता दूँ आपको कि कन्या स्कूल में सेंट्रल जो पढ़ता है, हमेशा बोर्ड परीक्षाओं के लिए जो सेंटर पढ़ता है, उसके लिए अब यहाँ की जो बच्चियां हैं, जो छात्र हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो इसी गांव में रहकर सेंट्रल होगा उनका, वो यहीं पर अपना एग्ज़ाम दे पाएंगी। यानी कि समझिए कि उनका जो समय था वो बच रहा है, उनका जो किराया लग रहा था वो बच रहा है। ये एक अच्छी पहल है इस गांव के लिए जो सरपंच जी द्वारा की जा रही है। सरपंच जी, अगर आप बात करते हैं कि हर गांव में ना एक जौहर ज़रूर होता है और वो बहुत गंदा होता है, लेकिन मैं जब यहां से गुजर रही थी तो मुझे आपके गांव में साफ़ सफ़ाई बहुत दिखी है, तो ये साफ़ सफ़ाई का ध्यान कैसे रखा जा रहा है? ये पहले सरपंच साहब, जितने मेरे से पहले सरपंच थे, उन लोगों ने सफाई कराई, लेकिन मेरी अपनी क्वालिटी, मेरा अपना कार्य करने का अलग शैली है। मैंने जब से अपना कार्यभार संभाला, मैं बीच जमादारों में, गंदगी में, जहां बदबू होती है, वहां कुर्सी डाल के मैं उनके बीच में बैठा रहता हूं और अपने सामने ही सफाई करवाता हूं। जब फर्स्ट 26 जनवरी आई थी, 10 जनवरी को इलेक्शन थे हमारे, 26 जनवरी 14-23 फरवरी को हमने शपथ ग्रहण की थी और 23 तारीख को, 26 जनवरी को मुझे धनखड़ जी ने, हमारे DC साहब ने मुझे 2 लाख रुपए का चेक देकर मुझे सम्मानित किया था, क्योंकि मेरा गांव फर्स्ट आया था सफाई में और मैं मुझे पूरी तरह से सम्मानित किया। उसके बाद 2 स्टार थे गुड़गावा में, वहाँ कम से कम 1000 सरपंच थे। जब स्क्रीन पे मेरे गांव कोराली का नाम आया तो मुझे इतना, मतलब इतनी खुशी हुई। कुछ टाइम पहले हमारे कंवर साहब शारदा रानी गृह मंत्री थी, उस टाइम जितनी खुशी गांव को थी, उसी टाइम जब 1000 सरपंचों के अंदर स्क्रीन पर जब गांव कोराली आ रही थी हरियाणा में, तो मेरे खुशी का ही लहर इतनी थी कि आज मेरा गांव का नाम पूरी स्क्रीन पर दुनिया देख रही है। उसके सामने मुझे 2.5 लाख रुपये से सम्मानित किया और मैं बहुत ही खुशी हुआ। और मैं भगवान से यही दुआ करता कि भाई मेरे समाज ने, मेरे बुजुर्गों ने जो मुझे प्रोत्साहन दिया है, पद दिया है, मैं उसका सही सदुपयोग कर रहा हूं और मैं भगवान से यही दुआ करता हूं मेरी अच्छी बुद्धि दे और मैं गांव का विकास करता रहूं। बात ये की जा सकती है कि किसी भी गांव में ज़्यादातर क्या होता है कि दिन तो सूरज की रोशनी से
जगमगाता ही रहता है, लेकिन रात जो होती है ना बड़ी कठिन होती है, क्योंकि बिजली मुश्किल ही गांव तक पहुंच पा रही है। इस गांव में बिजली कितने घंटे आती है? वैसे तो गवर्नमेंट की सरकार की नीति थी, लेकिन फिर भी अगर सरपंच ज़्यादा पैरवी ना करे, ज़्यादा मंत्रियों के चक्कर नहीं काटे, तो आज मेरे गांव को कम से कम 20 घंटे की लाइट तो आराम से मिली रही है। 20 घंटे की लाइट जगमगा के मेरे कोराली को लाइट से कोई परेशानी नहीं है। स्ट्रीट लाइट्स लगी हैं आपके गांव में? मैंने कम से कम अबाउट नियर 60-70 स्ट्रीट लाइटें लगवा रखी हैं, 101 कुर्सी डलवा रखी हैं सभी बुजुर्गों के लिए, सामाजिक जगहों के लिए, मंदिर हो या कोई वैसी सार्वजनिक जगह हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, चौराहा हो, बस अड्डा हो, सब जगह मैंने जो है कुर्सियां डलवा रखी हैं जिस पे मेरे बुजुर्ग आदमी बैठ सकें। अभी गांव का दौरा करना बाकी है, हम गांव का दौरा भी करेंगे। हम जानेंगे कि जो जो बातें सरपंच जी ने बोली हैं क्या वो सच में उतना विकास इस गांव में हुआ है कि नहीं, क्योंकि यहां पर बैठकर तो शायद हम सिर्फ बातें कर सकते हैं, लेकिन गांव की वास्तविक स्थिति जो है वो घूमकर पता चलेगी। और मैं देख बता दूँ आप सभी को कि इस वीडियो के माध्यम से आप देख पाएंगे वो सभी कि गाँव में कितने विकास हो गए हैं और कितने रह गए हैं। हम बात कर रहे थे प्रशासन का कितना सहयोग होता है किसी भी गाँव के विकास में, कौन कितना सहयोग मिल रहा है आपको? पहले अनीता शर्मा थी बीओ, उसके बाद डीओ सत्येंद्र कौर थी जी। उसके बाद डीडीओ अभी रितु चौधरी बनी है, मैंने अभी अभी कोई एक घंटा पहले अभी अभी उनको विदाई दी है, वो यहाँ से खाना खा के स्कूलों का विजिट करा के अभी अभी मैंने यहाँ से भेजी है डीडीओ। और उसके बाद इन जितना भी प्रशासन है शिक्षा के तौर पर, इन्होंने मुझे भाई मानकर सबने मुझे आशीर्वाद दिया, मेरे स्कूल को हर वक्त ध्यान में रखा, हर तरह से गौरव उसने मुझे मेरे स्कूलों में सहयोग दिया। रही मंत्रियों की बात, प्रशासन की बात, मैं पूरे ज़िले का उप प्रधान हूँ, मेरी तमाम बीओ डीडीपीओ वगैरह जितने भी मेरे प्रशासन हैं सब ने मेरी इज्जत करी, सभी ने मुझे सहयोग दिया मेरे विकास में, मुझे कोई भी कोई ऐसी अड़चन नहीं आई जिससे मुझे किसी तरह की परेशानी हो। मंत्री जी ने मुझे कम से कम अब मेरे गांव के विकास के लिए 1.5-2 करोड़ मंत्री जी की देन है, जिससे 4 चांद मैं अपने गाँव में लगा सका। अब फिलहाल 60 लाख रुपये जो अभी प्रेजेंट में हमारे MLA साहब हैं राजेश नागर जी, उन्होंने दिए, जिसका काम मेरा बस्ता जमा होने पर भी अभी जो रेगुलर चल रहा है, बड़ी रनिंग से 7 सड़कें हैं जिन पर 3 सड़कों पर तेजी से काम चल रहा है, और बाकी भी अभी जल्दी ही जब तक मेरा कार्यकाल रहेगा, कार्यवाहक रहूंगा, तब तक उनको काम को पूरा करा दूंगा। कितने बड़े प्रोजेक्ट चल रहे होंगे गांव को लेकर? अभी मेरा 50 लाख के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 50 लाख के विकास कार्य अभी निर्माणाधीन है, अभी चल रहे हैं, रनिंग स्थिति में हैं, और कुछ ही समय में शायद जब तक कह रहे हैं कि जब तक वो कार्यवाहक रहेंगे आके तब तक पूरे कर ले जाएंगे। बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र की, ये तेगांव विधानसभा क्षेत्र में आता है, यहाँ के MLA राजेश नागर जी हैं, उनका कितना सहयोग मिलता है? उनका सहयोग ग्रामीण क्षेत्र से ही आते हैं वो भी, सहयोग उनका भरपूर है, मुझे बहुत प्यार देते हैं, उनके भी साथ काफ़ी मंत्री जी के उनके साथ जुड़े रहता हूं, लेकिन उन्होंने मेरे गांव के विकास के लिए मेरा गांव उन्होंने गोद लिया, बिना कहे लिया, अपना मान के लिया, गोद लेने पे उन्होंने मुझे 50 लाख रुपए मुझे गांव के लिए दिए, जिसका काम विकास बड़ी तेज़ी से उनका काम हो रहा है। गांव में आवागमन के लिए बहुत सी बार दिक्कतें आती हैं कि वहाँ तक ट्रांसपोर्ट नहीं पहुँच पाता, इस गाँव में आने के लिए ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है? कोरोना के टाइम में हमारी 3-4 ही बस सेवाएं थीं जो सुबह आ गई, फिर 12 बजे आ गई, फिर शाम को आ गई, लेकिन हमने मूलचंद शर्मा जी से कह के, परिवहन मंत्री जी से कह के, हमने 2 चक्कर और फालतू लगवाए, एक गाड़ी हमने स्पेशल बहन बेटियों की लगवाई है, जो बेटियां कॉलेज जाती हैं उनके लिए स्पेशल 1 चक्कर लगवाया कि हमारी बेटी केवल लड़कियाँ ही जाएँ, तो हमने ट्रांसपोर्ट के लिए पूरा ध्यान दिया जिससे हमारे गाँव के लिए कोई असुविधा पैदा ना हो। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जिस तरह से हमारे माननीय आदरणीय जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने इस भारतवर्ष को नंबर 1 पर ला के दिखा दिया, उसके भी 20% ऐसे लोग हैं जो उन पर कीचड़ उछाड़ते हैं, उनको पसंद नहीं करते हैं, उनकी अवहेलना करते हैं। इसी तरह से मेरे गांव में भी जब आदमी काम करता है तो उसकी अपोषणें होती हैं, जिनके बस की कुछ नहीं है वो लोग भी दूसरे की एक जीव से किसी की भी अवहेलना कर सकते हैं, किसी को में भी 10 गलतियां निकाल सकते हैं, लेकिन गलती उसे कहते हैं जो आदमी
ठीक हो और कोई 10 आदमी गांव में 50 आदमी कहते होंगे काम गलत है। इसलिए मैं मानवीय चैनल वालों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि गलतियां होती हैं लेकिन गलती इतनी नहीं होती जितनी उछाड़ी जाती हैं। मैं जो कुछ दिन पहले मेरे बारे में कुछ अपोजिशन ने जो गलतियां उछाड़ी वो बिल्कुल सरासर गलत थी। कोई ऐसा काम नहीं था गांव के अंदर, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी जिससे मेरा पूरा मेरा समाज, मेरी माँ बहन, मेरे बेटे नौजवान कोई नाखुश हों। मैंने गांववासी से हाथ जोड़कर विनती करी, अगर कोई गलती हो तो मैं सबसे क्षमा चाहता हूं और आपका विकास करता हूं। आम जनता के बिना किसी भी विकास कार्यों को नहीं गिना जा सकता। और मेरे साथ इस समय पे मौजूद हैं सर, क्या नाम है आपका? रमेश भाटी। रमेश जी, क्या आपके जो यहाँ पर सरपंच हैं सुरेंद्र जी, उनके द्वारा जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं और बहुत सुंदर कार्य कर रहे हैं वो अपने इस टाइम। कुछ क्या अलग किया उन्होंने और सरपंचों से यहाँ पे? अलग तो कोई ऐसी बात नहीं है, जितना कार्य उन्होंने निपटाया है अपने कार्यकाल में 5 साल के भीतर, शायद पहले किसी सरपंच ने इतना नहीं किया होगा हमारी नज़रों में। कई तो धर्मशालाएं बनाई हैं, वाल्मीकियों की धर्मशाला है, सरदारों की धर्मशाला है, इनकी गडरियाओं की धर्मशाला है, ठाकुरों की है, हाँ एक हमारी धर्मशाला है ठाकुरों की, और सड़क बनवाई हैं, नालियाँ बनवाई हैं, सड़क बड़े अच्छे तौर तरीके से चली हैं। इसमें हमारे MLA साहब का भी बहुत सहयोग है, बहुत खुश हैं। आप अपने गांव के जो सरपंच हैं उनके कार्यों से कितने खुश हैं? बढ़िया खुश हैं जी। क्या क्या कार्य कराए उन्होंने? सब कुछ किया, सड़क, नाली, धर्मशाला, पंचायती घर। अच्छा, हाँ सब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जवाहर है जी। जवाहर जी, क्या करते हैं आप? जमींदारी करें। जमींदारी करते हैं, तो आपको लगता है कि आपके जो सरपंच हैं उनके कार्य जो अच्छे हैं, कितने कोई ऐसा कार्य है जो भी नहीं कराया हो ना रह गया हो? हमारी नज़र में कोई नहीं है ऐसा, सब ना मानते हैं जैसो के। अब तुम जाओगी देखोगे नाली वाली, धर्मशाला पंचायती घर कैसे लगेंगे तुम्हें, वो हम देख कर बताते हैं। हाँ, बढ़िया बढ़िया काम किया सरपंच ने। सरपंच के बारे में क्या जानते हो? सरपंच जाते हैं यहाँ पर देख के चले जाते हैं। अच्छा ठीक है, आपको क्या लगता है कि जो आपके यहाँ के सरपंच हैं उनके विकास कार्य कितने हो गए? बढ़िया काम करें जी, बहुत ही अच्छे काम किए उन्होंने, बहुत बढ़िया। जो भी काम गली कूचे नाली पानी सर काम बढ़िया किया उन्होंने सरपंच। अगर दोबारा दावेदारी के लिए खड़े होते हैं? खड़े हैं वो, खड़े भी हैं। अच्छा, खड़े भी खड़े हैं, ऑलरेडी खड़े हैं। वो तो समय बताएगा, वो समय बताएगा। गांव कोराली में पहुंचकर हमने जाना कि उनके जो विकास कार्य हैं उन पर किस तरीके से सरपंच द्वारा कराए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक बहुत सारे विकास कार्य सरपंच द्वारा कराए गए। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं खड़ी हूँ अंतिम छोर पर कोराली गांव के, और आप मेरे पीछे का बोर्ड देख पा रहे होंगे। इस बोर्ड से यानी कि यहाँ से सतह शुरू होती है, आप यहाँ से कोराली गांव की तरफ अंदर एंटर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर इतने सारे विकास कार्य कराए गए हैं लेकिन अभी भी कुछ बाकी रह गए हैं। आज हमने यहां के सरपंच से बात की, यहां पर आम नागरिकों से बात की और जाना कि किस तरह के जो विकास कार्य हैं जो एक गांव को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो उपयोग में लिया जाते हैं, वो कितने हो गए हैं और कितने बाकी रह गए हैं फिलहाल। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि कल यानी कि 23 फरवरी को इन सभी सरपंचों का कार्यकाल ख़त्म हो गया था, और उसके बाद से अभी भी जो तारीख तय नहीं हुई है आने वाले होने वाले चुनावों को लेकर, लेकिन अब तक इन जितने भी समय इन लोगों ने रखा है, जितने भी सरपंच यहाँ पर कार्यकाल में रहे, उन्होंने जो अपने विकास कार्य किए उसकी एक झलक इस गांव में देखने को मिली। दौरा किया गया, जायजा लिया गया कि किस तरीके से कार्यों को संपूर्ण किया गया है और अभी कितने और कार्य बाकी होने हैं। शहर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पहचान फरीदाबाद। नमस्कार।